मेरे भगत बता रहे होंगे आपको कि हर जगह एक बूंटी आती है, कौन सी नहीं, यहाँ तो सारी बूंटियाँ है। जीवन दान देने से लेके, लक्ष्मी देने से लेके, तन मन पुत्र प्राप्ति से लेके, सारी बूंटियाँ, जितना भी जितने शरीर में रोग है वो रोगों को सोना चांदी बनाने की बूंटियाँ, सारी बूंटियाँ है। भोजन का प्रताप है या इन जड़ी बूटियों का प्रताप? जड़ी बूटियाँ खाते रहता हूँ, जड़ी बूटियाँ खाते रहता, जड़ी बूटी खाते, भोजन ना मिले जड़ी बूटियाँ खा लेते। हाँ बिल्कुल ठीक। कि 60 साल के नीचे अगर कोई कैंसर वाला है पूरा हिंदुस्तान में, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, वो तो जाते टाइम भी हमको अगर 5 रुपये दिया तो हम नहीं लेंगे उसे। दिया तो नहीं है, मेरे गुरु जी भी बनाते थे, तोड़ दे रहा, मेरे गुरु जी बनाते थे। अच्छा, ये बात फोन में दिखाने उसमें नहीं है, ये गुप्त बात है। गुरु जी का और यहाँ पर क्या महत्व है, यहाँ इस धुने का क्या महत्व है? ये धुने का ये महत्व है कि इस धुने पे जो भी आया है ने कुछ पाके ही गया है, कभी कोई निराश होके गया नहीं है। आजा विष्णु, तू आ गया जे बले माता जी आवेदन फास्ट आ जा मयूर है पर लार लार रे इज ने आ तो बरसा बरसा है। हां इसमें इसमें नहीं नहीं ये ये तो कुत्ते आ रहे माकर ये। हां तो आकर काम रोके वे वो नाम ये अपन में भूल गो भाई तो इको तेल निकले नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई आपका साथी कन्हैया शर्मा एक बार फिर संतों की सीरीज में आप दिव्य संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ ये कह सकता हूँ नाथ संप्रदाय से है, और साथ ही साथ वो यहाँ पर इस जंगल में जड़ी बूटियों की औषधियों की एक बात कह सकता हूँ, जिसने भोजनों का ऐसी हमारी जो पुराने टाइम से आ रही है जड़ी बूटियों की जो विधि उसको लुप्त होने से बचाने वाले महान संतों के मैं दर्शन करा रहा हूँ, और उनका मैं पहले प्रणाम करता हूँ। महाराज जी आदेश कन्हैया भाई आदेश। महाराज जी जैसे कि आपके यहाँ देख रहा हूँ आप कुटिया जंगल में हैं, तो यहाँ इस जंगल में इस पहाड़ पर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती विशेष तौर? जड़ी बूटियाँ तो भाई कन्हैया जी सारी की सारी है। अब आपको मयूषिका बताई थी, विजय सार बताई थी, और प्राणदाता बूटियाँ है। भगवान राम ने, वो तो ईश्वर था, लेकिन उसने हमको दिखाने के लिए कहा कि सजीवन बूटी लेके आओ, हनुमान जी को भेजा। किस लिए? कि उस बूटी में भी मैं हूँ, और लक्ष्मण जी को दिया प्राण बच गए। तो वही मेरे भगत बता रहे होंगे आपको कि हर जगह एक बूटी आती है, कौन सी नहीं, यहाँ तो सारी बूटियाँ है। जीवन दान देने से लेके, लक्ष्मी देने से लेके, तन मन पुत्र प्राप्ति से लेके, सारी बूटियाँ, जितना भी जितने शरीर में रोग है वो रोगों को सोना चांदी बनाने की बूटियाँ, सारी बूटियाँ हैं। गुरु जी जैसे कि एक माता जी है जो जयपुर की है, मुझे उनकी बात याद आ गई। उनके दो चीज़ प्रॉब्लम है, एक तो उनके घुटनों में और कमर में थोड़ा दर्द है, हालांकि इन पेट की थी तो एक महाराज जी ने मुझे जो कुछ बताया था मैं उनको बताया तो उनका थोड़ा फर्क पड़ गया, वो पाउडर दिया था उन्होंने। तो ये क्या ऐसी कोई औषधि है जो जोड़ों का दर्द, उनकी उम्र कम से कम 70 साल होगी तो 75 साल, तो हो सकता है कुछ ऐसा है औषधि यहाँ पर? एक ही बात है, अपने मारवाड़ी में बाजरी आती है, बाजरी को उबाले और घुटनों के बांधे पाटे बांधे 5। अच्छा। उसके बाद में ये जो नसें, पहली बात तो इसका घुटनों का जो ग्रीस है वो घस जाता है, इसलिए घुटने दुखते। उसके लिए एक विजयसार लकड़ी आती है, विजयसार पेड़ है अपने यहीं खड़ा है। विजयसार के पेड़ की लकड़ी आप डालोगे पानी में तो वो 5 मिनट में पेट्रोल जैसा कलर कर देगी। उसको रोज नियमित 20-25 ग्राम पानी में डाल देवे, सुबह उसका पानी पी लेवे, उससे ग्रीस बन जाएगा। और कई दफ़ा
नाड़ियाँ बंद हो जाती है, हमारी नाड़ियाँ उजर, माँ तो मर मर के जिंदा होती है बाल बच्चे होते, तो माँ का तो ये हिसाब है कि कभी कभार कोई नाड़ी नस से जो तो जाम हो जाती है, उसको वो पाटे फूली करने से या तेल की मालिश से, मैंने आपको बताया था ना वो एक प्याज है जिसका तेल निकालते हम लोग, उस तेल की मालिश करते ही वो रेडी हो जाता है। जैसे कि गुरुजी ने बताया तीन विधि बताई है, और जैसे कि एक तो बाजरे की जैसे घूघरी बना के उसको बांधना है, गर्म गर्म बांधना है या थोड़ा नवाए 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 बांधना है, और जैसे उन्होंने लकड़ी बताई, मैं माताजी को यहाँ से लकड़ी भेजने की कोशिश कर दूंगा और भेज दूंगा, यहाँ स्थान पर अगर आना चाहो तो आ भी सकते हो। और जैसे कि और भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पहाड़ पर है और महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, और महाराज जी का यहीं पर इस पहाड़ पर ही जंगल में रहे, महाराज जी मुझे ये लगता है जैसे कि ये वन विभाग की क्षेत्र है। ऐसा है, ये वन विभाग का क्षेत्र है। जैसे कि मैं बता दूं, ये आबू रोड पर स्थान है, आबू रोड से थोड़ा सा अंदर आने के लिए मैं वीडियो में पूरा एड्रेस आपको बारीक से दूंगा। और महाराज जी आपकी, गुरु जी आपकी उम्र क्या होगी? उम्र कागजों के हिसाब से 1941 है, हाँ 1941 का जन्म है। अच्छा, तो 81-82 साल हुए होगा। महाराज जी की उम्र 81-82 साल की उम्र है। और महाराज जी मैं देख रहा हूँ आप इस पहाड़ पर ऐसे चढ़ रहे थे, मेरे से भी आगे निकल रहे थे। ये सारा इसी भोजन का प्रताप है या इन जड़ी बूटियों का प्रताप? जड़ी बूटियाँ खाते रहता हूँ, जड़ी बूटियाँ खाते रहते, जड़ी बूटियाँ, भोजन ना मिले जड़ी बूटियाँ खा लेते। हाँ बिल्कुल ठीक। जड़ी बूटी ऐसा तो नहीं होता कि नुकसान करता क्या? मैं पिछली बार जंगल में रहा था, एक बार काकभूषण के जंगल में, तब मुझे वहाँ पर ऐसे ही पहाड़ में फंस गया, खाना नहीं मिला, तो हम क्या देखते थे, बंदर जो पत्ता खाता ना वही पत्ता हम खा रहे थे। यहाँ पर तो बंदर ही नहीं दिखता, तो कैसे परख कर पाओगे कि खाने का पत्ता कौन सा है, पेड़ कौन सा है? देखिए खाने का पत्ता का नहीं है, ये हमारे यहाँ भी बहुत होती है। इसको क्या बोलते हैं? दूधी बोलते हैं। दूधी बोलते हैं, दूध आता है इसमें। हाँ अच्छा। ये लीवर के लिए इतनी चमत्कारी चीज है कि लीवर जिसका खत्म डैमेज बोल देता डॉक्टर, हाँ उसको एक महीना उबाल उबाल के पीना है इसको। अच्छा, दूधी बोलते हैं इसको, दूधी बोलते हैं। जिनका लीवर की अगर कोई समस्या है तो महाराज जी से ज़रूर संपर्क करना, लीवर की यहाँ पर जैसे एक महीने में तैयार हो जाएगी। हम एक अलाउंस करते हैं कि 60 साल के नीचे अगर कोई कैंसर वाला है पूरा हिंदुस्तान में, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, वो तो जाते टाइम भी हमको अगर 5 रुपये दिया तो हम नहीं लेंगे उसे, खाली उसका अटेंडर आना और पहला ही फील्ड में आ जाना, वो नहीं है कि शेख साग कराने के बाद में आए तो फिर कब्जे में नहीं आता है, पहले फील्ड में जब जांच होते ही आ जाए, यहाँ जांच होते ही हमारे पास में आ जाए। कैंसर की हम गारंटी लेते हैं, और कैंसर का भयंकर रोग है, किसी के बाल बच्चे खुश हो जाए, अब 20-40 आदमी ठीक हो गए। जैसे कि मैं बता दूं, किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो तो महाराज जी के पास आ सकते हैं, पहला टेस्ट में आप यहाँ आ जाना और आपकी कैंसर जैसी बीमारी का जड़ों से समाप्त हो जाएगी और पूरा ठीक हो जाए। यहाँ पर 30-40 भक्तों को यहाँ कैंसर जैसी बीमारी ठीक हुई है। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे कि इन्होंने बताई है जोड़ों का दर्द की हमें बताई है, और साथ ही साथ महाराज जी यहाँ पर जैसे कि संजीवनी बूटी जैसी या प्राणदाता बूटी जैसे कह सकता हूँ, आज भी इसी पर्वत पर पाई जाती है। हालांकि वो चीज़ जो थोड़ी सी ये कह सकता हूँ ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों में जंगलों में जानकारी होनी पड़ती है, जानकारी भी होनी पड़ती है, हर किसी को मिलती नहीं, हमारे पैरों तले हो जाती है, हमें पता नहीं चलता ये जड़ी बूटी है। और जैसे कि यहाँ बारिश भी आ रही है, और महाराज जी यहाँ बारिश भी शुरू होगी, और महाराज जी की उम्र देखते हुए और एक शरीर की एनर्जी देखते हुए मुझे लगता नहीं है कहीं महाराज जी 81-85 लगता है कि आज भी मेरे से तेज चलते हैं। हालांकि महाराज जी ने कहा है ये सभी जड़ी बूटियों का करामात है। कोशिश करूँगा मैं कुछ यहाँ के आसपास के ग्रामवासी जो आते हैं सेवा के लिए उनसे भी बात करेंगे। आपको जो मैं धर्म की यात्रा में जो दिव्य तपस्वी संतों के और ऐसे अलोक संतों के दर्शन कराता हूँ, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। आज मैं बता दूँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल था पहले से ज़्यादा, कारण क्या है आपको पता चला? जूतों की वजह से थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ, हालांकि आराम से चढ़ पाया था, हालांकि लट भी हमने लिया, ऐसा लट इसलिए लगता है एनी टाइम थोड़ा भारी है। हाँ ये आबू रोड है, दिख रहा है ये ब्रह्मा कुमारी दिख रही है, ब्रह्मा कुमारी जिसको बोलते हैं,
साथियों एक तरफ आपको मुझे ये जंगल दिखाई दे रहा है, ठीक दूसरी तरफ आपको यहाँ पर सामने आबू रोड आबू पर्वत जो सामने दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, जैसे आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा शेर दिखाई देगा ऊपर से, इतना हम यहाँ पर ऊपर है कि पूरा शेर हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ साथियों अब बारिश थोड़ी तेज़ हो गई तो अब नीचे चलेंगे और वहाँ पर आपको मैं यहाँ महाराज जी से सत्संग लूँगा, कुछ गाँव वासी से बात करते हैं। कमेंट कर देना, पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कर देना। जी गुरु जी मुंटी है आपके, अभी खून आ रहा है, हाँ अंगुली कट गई है, हाँ इस मुंटी को मसल के इसके पत्तों का रस निकाल के डाल दो, हाँ उसी टाइम बंद है और दूसरे दिन घाव आराम आ जाएगा, घाव आ जाएगा यानी इतना कट गया घाव आ जाएगा। अच्छा। ये बूटी बीती ताकत, इसका क्या नाम है गुरुजी? इसका बूटी का नाम तो हाड जोड़ हाड तोड़ है, हाड जोड़ हाड तोड़ यानी हाड टूट जाता है उसको जोड़ देती है, नाम के अनुसार मुझे इसका काम दिखाई दे रहा है और जैसा काम करता है वैसी जड़ी बूटी का नाम हो जाता है, जो प्राण देता है तो प्राण देता समझ जाते हैं वो। हमारे इधर में उसमें फर्क ये आ रहा है कि हिमालय के अंदर तो उस जड़ी बूटियों का उस हिसाब से नाम है और अपने यहाँ आबू में देसी भाषा में नाम है, ये फर्क है। और संस्कृत नाम भी है इसका, मैं भूल गया हूँ। जैसे यहाँ पर दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है और गुरुजी का आशीर्वाद से मैं वो आपको यहाँ बता रहा हूँ, और जिनको लगता है कि सब जगह से इस यहाँ पर एक बार संपर्क कर लेना, एक कैंसर जैसी बीमारी हुई, जोड़ों का दर्द हुआ या आपको अन्य कोई भी ऐसा लगता है कि जड़ी बूटियों से आपका इलाज करवाना चाहते हो या इलाज करना चाहते हो तो यहाँ एक बार संपर्क ज़रूर कर लेना। आपको यहाँ पर सेवा भाव के यहाँ पर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, हालाँकि ये धुना का तप करते हैं और साथ साथ ही जो आते हैं उनकी सेवा भी करते हैं, दोनों हैं और बाकी ऐसा नहीं है, अपना धुना तपते हैं नाथ संप्रदाय से हैं और यहाँ पर आए उनकी सेवा करते हैं। जैसे आप देखें विष्णु दिखाना जड़ी बूटी और फिर हम चलते हैं, बारिश तेज हो रही है धीरे धीरे। ये क्या है? मयूर सिक्का। मयूर सिक्का, हाँ ये क्या काम आती है गुरु जी? ये महाराज बहुत जबरदस्त दो तीन चीजों में काम आती है, बीमारी में काम आती है, हाँ और तांत्रिक में काम ज़्यादा आती है। तांत्रिक में ज़्यादा काम, हाँ इस ये लक्ष्मी का रूप बोलते हैं। अच्छा, जैसे आपको इसको नोता देके, हाँ आज इसको नोता दे दिए, हाँ और जल चढ़ा दिए, धूप ध्यान कर दिए, अगरबत्ती, उसको बोल दिए कि कल मैं तुम्हारे को लेने को आऊँगा, बुरी चीज़ें हट जाना और अच्छी चीज़ें ले जाना फिर दूसरे दिन आके आप इसको ले जाओ, फिर इसको एक जाप है वो जाप करके ये जो उसमें लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। अच्छा, और इसका नाम क्या है? मयूर सिक्का। मयूर सिक्का, जैसे आप रियल में मयूर के पंख होता है ना ऊपर वाली, हाँ वो सिक्का। जैसे ही छांट लगेगी मर जाएगी, इस पहाड़ों में पानी नहीं है ना, अभी जैसे बरसात नहीं है तो बैसाख जेठ में तो मजूरी ला दी आपने, बरसात की छांट पड़ता ही ये ऐसी हो जाएगी। जैसे उन्होंने बताया तो नहीं है, मेरे गुरुजी भी बनाते थे, तोड़ते रहो, मेरे गुरुजी बनाते थे। अच्छा, ये बात फोन में दिखानी उसमें नहीं है, हाँ ये गुप्त बात है, हाँ मिला के चांदी बनाई जा सकती है। भूल गया होगा ये चांदी बनाने की, हाँ बाप जी वहाँ पर तो एक सुना था सोना भी बनाने की ऐसे होता है ना पारे से। देखो बंद करने भाई बंद करिए, गुप्त जाता है ये पात्र कुपात्र। आप चलो भले नीचे साथियों, जैसे कि आबू रोड आपको यहाँ से थोड़ी दिखाई देगी, आबू रोड से ऐसे घूम के इस जंगल की तरफ आपको आना होगा और वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और यहाँ पर जैसे मैं कुछ भक्तों से बात करूंगा जो यहाँ पर माता जी आए हैं उनसे बात करूंगा, इस स्थान का क्या महत्व है, यहाँ पर मैंने चमत्कार सुने हैं किस प्रकार के चमत्कार है, क्या सत्य में भी है यहाँ पर, क्या इनके साथ कभी चमत्कार, वो मैं जानने की कोशिश। पहले तो माता जी जय बाबा की, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आदेश आदेश। यहाँ पर क्या महत्व है, क्या यहाँ चमत्कार है, मैंने यहाँ के बारे में सुना है।
यहाँ पे तो चमत्कार इतने हुए हैं कि हमें खुद को ही अजब से लगते हैं कि ये क्या है। हम खुद सोचते हैं इस बारे में कि हम यहाँ पे, हमारा बचपन गुजर गया, हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। गुरु जी का और यहाँ पर क्या महत्व तो है, यहाँ इस धुने का क्या महत्व है? ये धुने का ये महत्व तो है कि इस धुने पे जो भी आया है कुछ पाके ही गया है, कभी कोई निराश होके गया नहीं है। और निराश होके गया है तो वो सही भावना से आया नहीं है, इसीलिए निराश होके गया है। वरना कोई आज तक बच्चे से बच्चा भी है वो भी निराश होके नहीं गया। अच्छा, और मैंने सुना है कि बाबा जी की यहाँ पर जड़ी बूटी भी देते हैं, तो क्या सत्य है? आपके साथ क्या भी सत्य है? जो कैंसर वाले भी आते हैं, किसी की पेट की तकलीफ़ है, कुछ किसी के हाथ पैर की है, किसी की क्या है, कोई की सिर की है, कोई की क्या है। और आपके साथ कभी कोई हुआ ऐसी घटना? मेरे साथ में मेरे पैर दुखते थे, ये सब चीज़ों काफ़ी मेरे काफ़ी फ़र्क है इस। फिर थोड़ा दिन हुआ कि मेरा दोहिता ख़त्म हो गया, शरीर छोड़ दिया। अब फिर इस मैंने सोचा कि अब बच्ची को तो अपन कैसे, जैसे बाप जी ने है जो इसको तो बचा दी, अब इसका क्या करेंगे, ऐसा उनको क्या जवाब दूंगी मैं। बच्चा भी 5 साल का बच्चा, शरीर छोड़ दिया। इसके बाद में फिर बाप जी ने गोद में लिया, लैट्रिन पेशाब भी कर दिए थे बच्चे ने, गोद में लेके इसका शरीर है, इसको कम से कम 4 घंटे बाद में होश आया बच्चे को, सब कुछ अच्छा हुआ। जैसा कि माता जी कह रही हैं, सत्य तो बात है। और मैंने गाँव वासियों से बात किया, हालांकि ये जंगल का क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते रहते हैं। और मैं सभी से कहूँगा एक ध्यान रखें, जो भी कहीं पर भी जाए तो गुरु कृपा अगर आपके ऊपर है तो मैं कह रहा हूँ आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सबसे पहले गुरु को प्रसन्न जरूर करें, और संतों को मिलने जाए ना तो दीन भाव से जाए। ऐसे ऐसे ही तो मेरे चेले जो महादेव जी को मिले वो ऐसे तो मेरे को मिले हुए, रावण, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप। वैसे ही मेरे यहाँ भी चेले मेरे पास ये जो इतने इतने लंबे चाकू लेके मेरे को मारने को आए कि बाबा तेरी बोटी बोटी करूँगा, अरे बाबा ऐसा करूँगा, अरे वैसा करूँगा। मैं बोला ठीक है बेटा, दारू छुड़ाने के लिए। उसकी माँ बोली दारू छुड़ा दी, और मेरा बेटा ऐसे ही रोता फिर रहा, एक ही बेटा है अपने यहाँ नागौर में, मैनेजर रहा उसका बाप, ये दारू जा बन गया। दो रो है धुना को तापनो, दो रो है भिक्षा को काम, जोगी मत उरे राजा वर्धरी है। देखो आंखों में पानी आ रहा है कन्हैया भाई के, आंखों में पानी आ रहा है, धारा बरस के पानी धुओं का ही लगे बस गुरु जी। सत्संग आकर पड़े रे अमोल अमरसू भी महंगी है। ओ भाई वो आज गाय बना हुआ है, दारू वारू छूट गई, सब शादी हो गई, ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, मकान बन गया, सब हो गया। वो चाकू भी मेरे पास ही पड़ा है, वो एक नहीं है, ऐसे हजारों चेले, मेरे चेले तो ऐसे ही है। जैसे कि गुरु जी की यहाँ की महत्व मैं बताऊँ, जैसे चमत्कारी भूमि भी है और यहाँ धुने का तप है, साथ ही साथ कह सकता हूँ गुरु कृपा यहाँ पर है। और मैं ये सकता हूँ आपको बताऊँ, जो जड़ी बूटियों का जो महाराज जी यहाँ प्रसाद देते हैं, जो भी अगर आपकी कोई बीमारी होती है, जो स्थान है, स्थान में गुरु जी की आज्ञा से पहले मैं बता देता हूँ, अगर बहुत सारे भक्त कहते हैं मेरे को स्थान बताना, गुरु जी इस स्थान का क्या नाम है, यहाँ पर अगर कोई भक्त आना चाहे तो आप क्या सार्वजनिक करना चाहेंगे? ये हम तो यहाँ बैठे से तो आपको बता ही दिए, लेकिन अभी इसको अपन ने नौकुंडी यज्ञ करवाया वहाँ, ये उधर वो कुंड बने हुए हैं अभी भी, और उस खेत के अंदर भागवत कथा कराई। जब संतों ने मिल करके इसका नाम अग्नेश्वर महादेव, अग्नि से नहीं जले ना तो ये तो मूर्ति रख ली नहीं, अग्नेश्वर महादेव नाम दे दिया, अग्नेश्वर महादेव महादेव। और इस कौन से गांव में आता है ये जोड़िया फली? काई भाई तू बता, जोड़िया फली आबू रोड में आता होगा या और में, और खड़ात में है, खड़ात खड़ात। जैसे कि मैं स्थान थोड़ा बता देता हूँ, अब गुरुजी की आज्ञा मिल गई तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान के आबू रोड पर खड़ात में जोरिया फली है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पास में एक स्थान है जो मंदिर बना हुआ है,
हनुमान टेकरी से थोड़ा लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको चलना होगा जंगल की तरफ चलने के ऊपर मिलेगा आपको। दूर से कुछ नहीं दिखाई देंगे, ध्यान रखना, दूर से आप देखोगे मंदिर दिखाई देगा। मुझे ये कुटिया भी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है। और ध्यान रखे, मैं कहूँगा थोड़ा दिन के समय आओगे तो आपको यहाँ दर्शन होगा, अन्यथा रात्रि समय आने से खो जाओगे। तो ध्यान रखे, दर्शन करना चाहते हो या कोई बीमारी से ग्रसित मेरा भाई कोई आना चाहता है, बहन आना चाहती है, माताएँ आनी चाहती है, तो आ सकते हैं गुरु कृपा से, लेकिन दिन के समय आए ये ध्यान रखें। हालांकि महाराज जी गुरु जी जो सेवाभावी है और आपको यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है उसका मुझे लगता है हल अवश्य मिलेगा। और तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय गोरखनाथ, जय गणेश नाथ जी महाराज की जय, हो जय में पशुपतिनाथ महादेव मांझवास धाम की जय हो। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक।